Hey guys, welcome to my channel ABCC. Anybody can cook. आज मैं आपको पिनव्हील समोसा की रेसिपी सिखाने वाली हूँ. So let's see how to make it. आज हम पिनव्हील समोसा बनाएंगे. तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है उसके लिए लगने वाला डो. तो पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे. तो मैंने एक बाउल व्हाइट मैदा लिया हुआ है, उसमें मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया है और अंदाजे से ये 1 to 2 टीस्पून अजवाइन के सीड्स हैं, ये डाल देंगे और ऑयल और वाटर के साथ में इसको अच्छे से नेट करके इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे. इसमें हम 2 टीस्पून कर्ड लेंगे, थिक कर्ड लेंगे, वो मैं आपको बताना पहले भूल गई. और फिर हम इसे अच्छे से गूंद कर 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे. पिनव्हील समोसे की स्टफिंग के लिए हमें लगेंगे 1 से 2 उबले हुए आलू, हरी मिर्च, आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई धनिया, फ्यू चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अमचूर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक. अब हम इसे बनाने की तरफ देखते हैं. कढ़ाई में तेल ले लीजिए. सबसे पहले डालेंगे हम मिर्ची और डालेंगे हम जीरा. जैसे ये आपको दिखे ये ऐसे आवाज करने लगे, इसका मतलब जीरा अच्छे से भुन गया है. अब हम इसमें डालेंगे मैश करके जो उबले हुए पोटैटो है वो हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे. ये सब आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और इसे इस तरीके से एक जैसे कर देंगे. अब इसमें हम डालेंगे बाकी के सब मसाले. अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और गरम मसाला और ये फ्लेक्स, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये कटी हुई धनिया और इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए. आपको जितना लगता है उस हिसाब से आप डाल दीजिए. सबको एक अच्छे से मिक्स दे दीजिए, पूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिए ये सारे मसालों के साथ में. अच्छे से मिक्स हो गया है. अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और लास्ट में हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको ठंडा कर लेंगे. अब ये जो डो है इसमें दही वगैरह सब डालकर मैंने थोड़ा सा तेल लगाकर इसे अच्छे से मल लिया है. मैं इसे एक और हाथ इसके ऊपर लगाकर इसे एक और बार अच्छे से मल लेती हूँ और फिर इसके 2 बड़े गोले कर मैं आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो सिखा देती हूँ. इस तरीके से आप इसे थोड़ा फैला लीजिए और इसके इक्वली आप ऐसे 3 हम गोले बना लेंगे इस तरीके से. ओके, इस तरीके से रोटी बेल लेंगे. जो आप रोटी बेलोगे वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए. तो इस मीडियम हिसाब से आपने वो रोटी पूरी बना लेनी है. देखो सी इस तरीके से. और ये बनाने के बाद में जो हमने स्टफिंग बनाया है, जो हमने स्टफिंग रेडी की हुई है, ये पूरी इसके ऊपर फैला लेनी है. इस तरीके से आप उसको पूरा फैला लीजिए. सी इस तरीके से आपको इसे अच्छे से फैला लेना है और आप इसे कम ज़्यादा मत कीजिए. आप इसे पूरी रोटी पर इक्वल तरीके से ही आपने ये स्प्रेड करके लेना है और उसके बाद एक साइड से आपने इस तरीके से इसको रोल करते हुए लेते हुए जाना है. ऐसे रोल करना है, ऐसे दिस वे आपको ऐसे इसको रोल करते हुए लेके जाना है और यहाँ से आप उसको स्टिक करने की कोशिश कीजिए, उसको चिपका दीजिए ये और इस तरीके से लेवल अप कर दीजिए. और आफ्टर दिस ये चिपक गया पूरा. अब आप इसको ये जो साइड के हैं उसे आप कट कर दीजिए
और आप इसको इस तरीके से आपको कट करना है। ये अभी आपको ज्यादा मोटा मत लीजिए, इसे आप मीडियम साइज ही रखिए सबका, उस हिसाब से आपको कट करना है। दिस वे, और इस तरीके से आप इनको कट कर लीजिए। तो रोल बनाने के बाद आपको इस तरीके से आप उसको इक्वल डिस्टेंस के साथ में कट कर लीजिए, और कट करने के बाद में जैसे ही आप इसे कटा हुआ जो लेंगे उसे आप थोड़ा सा लेकर इस तरीके से हाथों से पैट करना है, और ऐसे पैट करके इसे आप रख दीजिए, और ऐसे बाकी के सब बना के लेंगे। इस तरीके से मैंने कट किया है उसे, और आप उसको धीरे से ऐसे पैट कीजिए ऊपर से, और इस तरीके से आप बाकी के सभी जो गोले हैं उनके भी आप इस तरीके से रोल बना के ले लीजिए। अब आप एक बाउल लीजिए, उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच आप मैदा, थोड़ा सा नमक और पानी का ये पेस्ट बना लीजिए। आपको ऐसे थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा मीडियम ऐसा पेस्ट बना लीजिए आप, और ये जो आपके पिनव्हील्स आपने बना के हमने जो रेडी किए हैं वो इसमें से आपको डिप करके उसको तलना है, डीप फ्राई करके लेंगे, थोड़ा सा और पतला करेंगे। पेस्ट है ये, इस तरीके से होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। अभी जो पिनव्हील्स हमने बना के रेडी किए हुए हैं उसे हम क्या करेंगे, ऐसे 1 by 1 लेना है, और इसके अंदर से निकाल कर, ज़्यादा देर रखना नहीं है, ऐसे लेकर कढ़ाई में तेल जो रखा है उसमें आप इसे छोड़ दीजिए इस तरीके से। अब आप इसे डीप फ्राई करके ले लीजिए। आप एक साथ 6 से 7 पिनव्हील्स इसमें डालकर इसे आप डीप फ्राई करके ले लीजिए, और थोड़ा सा लाइट डार्क ब्राउन ऐसे हो जाए तो आप इसे निकाल दीजिए। अभी तक नहीं हुआ, ये हो रहा है। ये हमारे पिनव्हील्स बनके रेडी हैं, आपको इतना उनको ब्राउन करना है, और इनको आप बाहर निकाल के उसे थोड़ा जो ऑयल है उसमें से वो सोक होने के लिए रख दीजिए, आप टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। हमारे पिनव्हील समोसे बनके रेडी हैं, आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड रिमेम्बर, ABCC, एनीबडी कैन कुक। थैंक यू।